जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में। एग्रीकल्चर PGT, एग्रीकल्चर TGT से संबंधित ये हमारा अगला वीडियो है, जिस पे आज हम बात करेंगे। ये क्या है? सबसे ऊपरी स्तर। दो दशमलव पाँच से 5 सेंटीमीटर गहरी है। इसमें पौधों के अंकुरण वृद्धि विकास की क्षमता होती है। क्या होती? जीवांश की अधिकता होती है। क्या है ये हरिजन में? क्या है? सबसे ऊपरी परत है, मतलब मृदा के सबसे ऊपरी परत पाई जाएगी। इसकी जो लंबाई है, मतलब गहराई है, ये क्या है? 2.5 से 5 सेंटीमीटर ये गहरी होती है। ऊपर से देखेंगे तो ये गहरी होती है। और इसमें क्या है? पौधों के अंकुरण वृद्धि विकास की क्षमता, मतलब पौधों की जो वृद्धि होगी, अंकुरण होगी, इसी परत में होगी। ऊपरी परत है, ऊपरी परत में ही आप किसे कितना डालेंगे? 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आदि आप सीट डाल नहीं सकते। मतलब इसी जो होरिजन है, उसी होरिजन पे क्या है कि अंकुरण की वृद्धि विकास की क्षमता होती है। मान लीजिए ऊपर ये 5 सेंटीमीटर, इससे अधिक आप सीट डाल नहीं सकते। तो मतलब वृद्धि और विकास जो होगा ये ऊपरी परत पे ही होगा। और इसमें क्या है? जीवांश की अधिकता होती है। जो भी जैविकता की अधिकता होती है, जो जीव हैं उनके सड़न गलन की जो अवशिष्ट हैं और या कंपोजिशन है, वो इस मृदा में सबसे अधिक होता है। अर्ध जलवायु वाले प्रदेशों में आहोरिजन आस्तर में जैव पदार्थों की कमी होती है। अर्ध शुष्क मतलब जैविक पदार्थों की जीवांश की अधिकता तो पाई जाएगी, परंतु अगर अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में क्या है, ए होरिजन में अर्ध शुष्क वाले प्रदेशों में, जहां अर्ध शुष्कता है वहां के प्रदेशों में ए होरिजन में जैविक पदार्थ की कमी पाई जाए, अधिकता तो पाई जाती है ए होरिजन में। अगर अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं हमारे, तो वहां पर कमी पाई जाएगी।
अब इसका क्या है, इसके कई सारे स्तर हैं। विभिन्न संस्तर, विभिन्न संस्तर जो ए होरिजन के जो विभिन्न संस्तर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ए डबल जीरो होरिजन, ए डबल जीरो होरिजन क्या उप स्तर, सब होरिजन, इस उप स्तर में कार्बनिक पदार्थ जैसे जैसे पौधों की बिना सड़ी पत्तियां कूड़ा अधिकता में पाया जाता है। ये क्या है जो ए डबल जीरो होरिजन है, इसमें क्या है, ये सबसे ऊपरी है, मतलब जिसपे हम, मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं, जिसपे हम लोग चलते हैं, ये मान लीजिए वो होरिजन है जिसमें क्या है कि उप स्तर में कार्बनिक पदार्थ जैसे पौधों की बिना सड़ी पत्तियां सबसे ऊपरी परत और कूड़ा की अधिकता होती है, मतलब सबसे ऊपरी परत है इसमें बिना सड़े हुए पेड़ पौधे की पत्तियां उनके अवशेष ये मिलते हैं। A1 होरिजन, ए होरिजन, ए होरिजन, प्रायः यह कि यह काले या बादामी रंग की होती है आंशिक रूप से इस उप स्तर में जैविक विच्छेदित होता है। और क्या होती है, ये मृदा अधिकांश क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं, यह स्तर अधिकांश अम्लीय होता है, प्रायः काले बादामी रंग के होते हैं। ये इस संस्तर में क्या है कि जैविक पदार्थ आंशिक रूप से
विच्छेदित होता है, मतलब कि सड़ना वो स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा सड़न स्टार्ट हो जाती है। यह स्तर अधिकांश अम्ली होते हैं। मतलब A1 ये क्या होरिजन क्या है कि ये क्या होता है, अधिकांश अम्ली होते हैं। A0 क्या होते हैं, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मैक ऑफ क्ले, आयरन मैक्सिमम क्या होता है, एलिवेशन होता है किसका होता है, क्ले का, वो क्ले सॉइल में आयरन का, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होते हैं। और ये क्या है, ये क्या है, ये अधिकांश विकसित होती है। अधिकांश विकसित होती है, विकसित होती है, इसको क्या बोलते हैं, एलुवियल होरिजन। मोबाइलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस, मतलब मोबाइलाइजेशन होता जो भी न्यूट्रिएंट है ए होरिजन में, एलुवियल जो ए होरिजन है इसको क्या कहेंगे, एलुवियल होरिजन भी इसको कहते हैं, एलुवियल होरिजन भी कहते हैं। इसमें क्या, मोबाइलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस, इस जो संस्था है, ये संस्था है, इसमें क्या होता है कि मोबाइल की तरीके, जिस तरह मोबाइल कॉलिंग करते हैं वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, वन नेटवर्क टू एन अदर नेटवर्क एन अदरवाइज सेम नेटवर्क कॉलिंग द फटाक, तुरंत कॉलिंग होती है, उसी प्रकार उतनी फास्ट क्या होता है, न्यूट्रेंड का मोबाइलाइजेशन चलन होता है, अपटेकिंग होता है। इसीलिए इस जो ए होरिजन है उसी को क्या बोलते हैं, मोबाइलाइजेशन न्यूट्रेंट ऑफ टाक प्लेस, मतलब मोबाइल की तरीके उतनी फास्ट तरीके से इसमें न्यूट्रेंड का अपटेक होता है।
ए बी और ई बी जो और ए और बी के मध्य हॉरिजन होगा उसको क्या बोलेंगे, ए बी या ए ई ए ई बी, ए बी हॉरिजन बोलेंगे। मतलब कि जो ये ए बी और ई बी हॉरिजन है, ये ए हॉरिजन और बी हॉरिजन के जो मध्य का स्तर है उसको हम बोलेंगे क्या है कि ए बी हॉरिजन और ई बी हॉरिजन। मतलब कि ए और बी के जो मध्य है उसको हम बोलेंगे ए बी और ई बी हॉरिजन। बी होरिजन ये क्या है, इलूवियल होरिजन। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaSO4 and other salt in it cannot be cultivated wetted white tillage operation. ये डिपॉजिट क्या होता है, CaSO3 कैल्शियम एंड अदर साल्ट इन एरिड जोन। मेन ये जो है ना ये दो, ये कि भाई एलुवियल सोयल भी है और इसमें क्या होते हैं, जमा होते हैं क्या 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 जमा होते हैं, CaSO3 और CaSO4 और अदर साल्ट क्या होते हैं इसके जोन में जमा होते हैं। ये कैन नॉट बी कल्टीवेटेड बाय टिलेज ऑपरेशन, ये मतलब टिलेज ऑपरेशन से कल्टीवेटेड नहीं किया क्योंकि वो तो नीचे का स्तर इतना। B1 यह स्तर स्थाई नहीं होता, स्थाई नहीं होता, यह पावर नॉल मृदाओं में, यह पावर नॉल नोल मृदाओं में B2 कैसा है, इस
इस उप स्तर में सिलिकेट लोहा एल्युमिनियम की अधिकता होती है जिससे इसका रंग बादामी होता है। ये इस उप स्तर में क्या है, सिलिकेट लोहा एल्युमिनियम है कि क्या होती है, अधिकता होती है, जिसमें क्या है इसका रंग क्या हो जाता है, बादामी हो जाता है। ये क्या है कि अधिकांश मृदाओं में पाया जाता है, कोई स्थायी नहीं है। अधिकांश मृदाओं में नहीं पाया जाता। अधिकांश मृदाओं में नहीं पाया जाता। अब बात करेंगे सी होरिजन। एक्यूमुलेशन कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सी मेंटेस टेसंस ये सी होरिजन है, मतलब सबसे लास्ट वाला। इस पे क्या है मूल पदार्थ, इस पे क्या है मूल पदार्थ पाया जाता है निक्षालन नहीं होता। मतलब मूल पदार्थ जो भी हैं आते हैं छनकर ऊपर से नीचे तक इसी संस्तर पाया जाता है, इसे इसमें नहीं होता। बी को क्या कहते हैं संचय। बी को क्या कहते हैं संचय स्तर। बी होरिजन को कहते हैं संचय स्तर। ऑर्गेनिक मैटर एयर
5%। पच्चीस परसेंट। मिनरल्स 45%। मिनरल्स 45%। यह क्या है कि कंपोनेंट ऑफ सॉइल, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, उसका क्या परसेंटेज है, ये सॉइल का है कि ऑर्गेनिक मैटर 5% क्या है, एयर क्या है कि 25% है, क्या वाटर क्या 25%, मिनरल्स क्या है 45%, हमारे उसमें पाए जाते हैं।